अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। और सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, लेट एफ इज द फंक्शन फ्रॉम द सेट। अब सेट में एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट है, 1, 3, 4, ये डोमेन हो गया, और कोडोमेन 1 to 5, और जी में 1 to 5 to 1, 3 गिवन बाई एफ। ये दे रखा है 1, 2, 3, 5, 4, 1, और जी दे रखा है 1, 3, 2, 3, 5, 1। फाइंड जी ओ एफ, जी ओ एफ पूछा है। तो जो है पूछा है, तो देखो F12, इसका मतलब है कि F1 x=1 इनपुट कराने पे इमेज क्या देगा, F2 देगा। यानी कि F1, 1 का आउटपुट क्या होगा, 1 का आउटपुट होगा 2, फंक्शन वैल्यू 1/2 होगी। ठीक, तो हम इसको जी ओ एफ पता करना चाहते हैं। हम क्या पता करना चाहते हैं, जी ओ एफ। ठीक है, तो जी ओ एफ वन अगर हम देखेंगे तो ये क्या हुआ, जी ऑफ एफ वन। अब सबसे पहले एफ क्या करेगा, 1 को उठाएगा, और 1 को उठा के क्या बना देगा, 2 बना देगा। ठीक, यहाँ पे देखो इसका, ये एरो डायग्राम से देखो, 1, 2, 1, 3, 4 है, 1, 3, 4, और ये 1, 2, 5। ठीक है, तो एफ क्या करेगा, 1 को सीधा क्या बना देगा, 1 को 2 बनाएगा। F क्या कर रहा है, 1 को 2 बना रहा है। और G, अब ये फिर उसके बाद में G इस 2 को क्या करेगा, G 1 to 5। देखो, हाँ, एक और बात, जी ओ एफ डिफाइन होने के लिए G का डोमेन देखो 1 to 5 है, और F का कोडोमेन 1 to 5 है, तो जी ओ एफ डिफाइन हो जाएगा। ठीक, अब G इस 2 को लेके क्या बनाएगा, G इस 2 को लेके बनाएगा, G को पहले लिख दो 1, 3, ये जी के 2 है, और 2 को जब जी लेता है तो 2 से देता है 3, यानी कि ये 3। तो जी ओ एफ फंक्शन डायरेक्ट 1 से क्या देगा, 3 देगा। तो ये देखो जी ऑफ F1, और F1 क्या है, F1 है 2, तो जी ऑफ 2, F1 कितना है, F1 है 2। ठीक है, तो G2, और G2 की वैल्यू क्या है, 3। यानी कि ये देखो जी ओ एफ 1 को इनपुट करा रहे हैं, 3 आउटपुट दे रहा है, यानी कि जी ओ एफ में इनपुट है 1 और आउटपुट कहाँ होगा, आउटपुट होगा क्या, 3, 1,3, जी ओ एफ। ठीक है, जी ओ एफ ध्यान दो, जी ओ एफ जो होगा फंक्शन, जी ओ एफ जो फंक्शन होगा वो सीधा इस सेट से 1, 3, 4 से, 1, 3, 4 से कहाँ पे होगा, फाइनली सेट से ये 1, 3 में, 1, 3 में। ठीक है, तो 1 का इसमें लिंक 3 से बना। ठीक है, इसी तरह से हम देखें 3 के लिए, तो देखो F 3 को लेके क्या बना देगा, 3 से बना देगा 5, लेकिन 5 इधर G 5 का क्या करेगा, 5 को 1 बना देगा, G 5 को 1 बना देगा, यानी कि 3, 5, ये सीधा 3 को इनपुट लेगा और क्या देगा, 1 देगा, यानी कि दूसरा एलिमेंट हो जाएगा क्या, 3,1, और थर्ड एलिमेंट, अब ये 3 हो गया। अब 4 के लिए, 4 के लिए, 4 देखो ध्यान दो, 4 के लिए एफ क्या करेगा, 4 को 1 बना देगा, 4 को 1 बना दिया एफ ने, लेकिन 1 के लिए जी क्या करेगा, जी 1 को 3 बना देगा, 1 से आउटपुट क्या देगा, जी 3 देगा। तो ये देखो ये हो गया, तो 4/1 होते हुए 3, यानी कि 4 का फाइनल आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 3, यानी कि 4,3। ये तो ये क्या हो गया हमारा, जी ओ एफ हो गया। ठीक, इस तरह से हम जी ओ एफ निकालेंगे। ठीक, इसमें ये चीज ध्यान रखें, जी ओ एफ तभी डिफाइन होगा जब एफ का कोडोमेन और जी का डोमेन सेम हो, और वो यहाँ पे दोनों चीजें कैसी दे रखी है, एक जैसी दे रखी है ये। ठीक है, इसको नोट कर लो।